हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्विफ्ट के बारे में बता दूं। गाइस स्विफ्ट एक जानी मानी बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है, पॉपुलर हैचबैक है, एंट्री लेवल कार है और मारुति सुजुकी तरफ से आती है। बहुत सारे नई जो स्विफ्ट आई है, नई जनरेशन फेसलिफ्ट जो स्विफ्ट आई है, ये और भी ज्यादा फीचर्स और भी ज्यादा ऑटोमेशन के साथ आई है, जो कि और भी ज्यादा अच्छा लगता है पुराने वाले स्विफ्ट से। अगर मैं बात करूं, ये गाड़ी जो है लॉन्च हुई थी 2004 में और अभी जो मार्केट में जो आप देखते हैं जो जिस स्विफ्ट को, ये है 2021 वर्जन और ये है थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट। इसके सेल्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग जब से स्विफ्ट आई है तब से ये लगभग 25 लाख यूनिट जो है इसके सोल्ड हो चुके हैं। लगभग 25 लाख मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। हर साल स्विफ्ट के बहुत सारे यूनिट्स बिकते हैं। अगर मैं लास्ट मंथ जो कि सितंबर के महीने में अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 12,000 स्विफ्ट जो है बिक चुके हैं इंडिया में। 12,000 स्विफ्ट मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है। और ये गाड़ी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत स्टाइलिश दिखती भी है, लोग इसको बहुत प्यार करते भी हैं। इसके बारे में थोड़ी में बात करते हैं। ये गाड़ी जो आती है डीजल में नहीं आती है, पेट्रोल में ही आती है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इसका जो नियर जो ऑन रोड प्राइस है वो नियर अबाउट स्टार्ट होता है 6.5 लाख से और इसका टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस जाता है वो अप टू 9.5 लाख तक जाता है, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। और इसका एक जो सेडान वर्जन है जिसका नाम है डिजायर, उसका प्राइस स्टार्ट होता है नियर अबाउट 7 लाख से और उसका प्राइस जाता है अप टू आई थिंक 10 to 10.5 लाख तक जाता है। तो गाइज जो सेफ्टी रेटिंग है उसके बारे में बात करें, देखो गाड़ी जो है एंट्री लेवल है तो इसमें सेफ्टी रेटिंग इतना नहीं दिया गया था। तो ग्लोबल एनकैप ने इसको 2 स्टार रेटिंग दिया था आउट ऑफ 5, जो कि कम है लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। अब गाइज इसमें आपको वेरिएंट जो है वो 4 देखने को मिल जाएगा, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस, जो यही 4 वेरिएंट्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाता है, मैनुअल का भी आपको ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी में अलॉय व्हील, स्टील अलॉय रिम्स और स्टील रिम्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी और भी चीजें हैं सेफ्टी के अंदर, इसमें 2 एयरबैग्स हैं और ABS, EBD ये सभी भी इसमें लगा हुआ है। रियर पार्किंग कैमरास भी वगैरह भी अवेलेबल है। गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में लगा हुआ है एक 1.2 लीटर का यानी कि 1200 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर BS6 डुअल जेट डुअल VVT स्विच सुजुकी एडवांस्ड के सीरीज पेट्रोल इंजन, इतना बड़ा इंजन का नाम था। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें लगा हुआ है एक 1200 सीसी का इंजन 4 सिलेंडर वाली, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है गाइस 88 हॉर्स पावर का और टॉर्क प्रोड्यूस करता है गाइस 113 न्यूटन मीटर्स का। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज के लिए मारुति सुजुकी ज्यादातर जानी जाती है, तो इसमें मिल जाता है कंपनी क्लेम जो एवरेज करती है वो है 23 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों से ही। अगर मैं इसे फ्यूल टैंक की बात करूं तो इसमें लगा हुआ है एक 37 लीटर का फ्यूल टैंक। इसके साथ साथ इंजन के साथ एक और एक टेक्नोलॉजी भी आता है जिसको कहते हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। उसमें होता यह है कि गाड़ी अगर खड़ी है एक जगह में आइडल कंडीशन में तो वो अपने आप बंद हो जाती है, फिर आप जो क्लच में पावर रखोगे तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, ये एक अच्छी चीज है। अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूं तो इसमें मिलता है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी एकदम छोटी सी कॉम्पैक्ट सी है, स्टाइलिश दिखती है और इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये थोड़ा बहुत मिनी कूपर टाइप का दिखता है, तो ये उसके लिए भी है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए। मैं तब से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे, सेफ ड्राइव करें, अपना परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।